जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। आप सभी को छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, बात करेंगे चंद्रमा के भ्रमण की, तो चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि में। दिन की बात करते हैं तो आज का दिन शुक्रवार का दिन 20 नवंबर, छठ मैया की जय हो। कैसा रहने वाला है आज का दिन आपका, किस प्रकार से आपकी राशियां और क्या उपाय करें, आज हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि आप परिवारजनों का आशीर्वाद लेकर कोई भी काम करेंगे तो वो आपका सफल होगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं तो लाल रंग आपके लिए शुभ है। लकी नंबर की बात कर लेते हैं, 5 नंबर आज आपका लकी रहने वाला है। उपाय क्या करना है आपने, उपाय आपके लिए बड़ा सरल है। 5 प्रकार के फल, यूं तो आज छठ मैया की पूजा है, 5 प्रकार के फल पुजारी जी को ले जाकर भेंट अवश्य दें। कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी की बात करते हैं तो राशि स्वामी स्वयंघरी तो अवश्य चल रहे हैं और योग आपके पास बड़े प्रबल हैं, क्योंकि आज छठ मैया का दिन है। जो मांगेंगे मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी, तो ईश्वर को साक्षी मानकर कुछ न कुछ कार्य अवश्य ऐसा कीजिए जिससे आपका नाम अच्छा हो। परिवार में मिलनसारता बनाने का प्रयास करें। ऑफिस में काम करते हैं, कारोबार करते हैं, तो अपने ग्राहकों से, ऑफिस के संबंधियों से भी अच्छे योग बनाएं। प्यार से थोड़ा सा पेश आए तो आपके लिए आज बेहतर रहने वाला है। उपाय आपके पास बड़ा सरल है। उपाय क्या करना है आपको, अपने घर के पास कोई भी मंदिर हो वहां ले जाकर आप चावल या चीनी का दान दीजिए। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, सुनहरा और लकी नंबर है आपके लिए 9 लकी। मिथुन राशि की बात करते हैं, बुध की राशि है, कहीं ना कहीं से आपके पास खुशखबरी अवश्य आएगी। आज छठ मैया का दिन है, खुशखबरी आपके पास इसलिए आएगी क्योंकि आपकी मनोकामना की एक पूर्ति अवश्य होगी। संध्या काल तक के समय आपके पास कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। उपाय क्या करें आप, भाई सब्जियों का दान देना आपके लिए हितकारी रहने वाला है। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, वो भी रंग है आपके लिए हरा और 11 नंबर आपका आज लक परसेंटेज बढ़ा सकता है। हरे पेन से अपनी कलाई पर लिख कर रख लीजिए 11 नंबर, देखिए शाम तक आपका लक परसेंटेज बढ़ जाएगा। बात कर लेते हैं चंद्रमा की राशि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए मिला जुला असर है, कभी मन आपका उदास रहेगा तो कभी प्रसन्न, मगर अपने आप को प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने का प्रयास कीजिए। ये प्रयास आपके लिए हितकारी रहेगा। आपके जो काम करने वाले हैं या जिनके साथ आपके सहपाठी संबंधी हैं उनसे अच्छे रिलेशन बनेंगे। उपाय आपको बड़ा सरल करना है, खीर का दान करना है, अगर हो सके तो मखाने की खीर बनाकर स्वयं भी खाइए और प्रसाद स्वरूप वितरण भी करें। लकी रंग की बात कर लेते हैं तो आपके लिए गोल्डन कलर लकी है और नंबर की बात कर लेते हैं तो नंबर आपके लिए है 16। सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह राशि वाले सूर्य की राशि है, मन को प्रसन्न करके आज आप कोई भी काम की शुरुआत कीजिए, शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा। आपकी गतिविधियों पर दूसरे नज़र रखे हुए हैं, थोड़ा नज़र से आपको बचना होगा, बहुत ज़्यादा गाना नहीं होगा जब तक किसी काम की पूर्ति ना हो। छठ मैया का दिन है तो उपाय आपके लिए बड़ा सरल है, साग सब्जियों का दान ले जाकर मंदिर में देना आपके लिए हितकारी रहेगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं तो गुलाबी रंग आपके लिए शुभ है और नंबर की बात करते हैं तो 28 नंबर आपका आज लक परसेंटेज बढ़ा सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं, कन्या राशि वालों के लिए राशि स्वामी बुध की बात करते हैं तो वो तुला के साथ युति बनाए हैं, यानी कि शुक्र के साथ युति बनाए हैं और तुला के घर में युति बनाए हैं, तो ये मिलाकर असर आपके पास अच्छा ही है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, हर्ष उल्लास का वातावरण रहेगा, घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। छठ मैया का दिन है तो छठ मैया की पूजा करने से भी आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। उपाय आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में पुजारी जी को, पुरोहित को या जरूरतमंद को आप कंबल का दान अवश्य दें, यह आपकी राशि को बलवान बनाएगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, नीला रंग आपके लिए शुभ है और लकी नंबर की बात कर लेते हैं तो 6 नंबर आपका है लकी। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि राशि स्वामी शुक्र का स्वयं अपने घर में ही भ्रमण चल रहा है, अचानक उपलब्धि, अचानक योग,
बाहर जाने में सफलता, विदेश यात्रा का योग, इस तरह के योग आपके पास देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर आपको सफलता, इस तरह के योग आपके पास आएंगे और ये आप दोनों हाथों से भुना लेना। सबसे सुंदर आपके लिए उपाय है, कोई छोटी कन्या हो या घर में कोई महिला हो, उसको यथाशक्ति कुछ ना कुछ चांदी का सामान अवश्य देना। छठ मैया का दिन है, महामाई आपकी कृपा अवश्य पूरी करेगी। सूर्य नारायण आप पर कृपा बरसाते रहेंगे पूरे वर्ष। शुभ रंग की बात कर लेते हैं तो चमकीला रंग आपके लिए शुभ है, और लकी नंबर की बात करते हैं तो लकी नंबर है आपके लिए 34। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, प्रॉपर्टी को या वाहन को लेकर आप चिंता थे तो अब आपकी मनोकामना पूरी होती नजर आ रही है। सूर्य नारायण की कृपा से, छठ मैया की कृपा से आपकी ऐसी आज इच्छा पूरी हो सकती है। थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा, सफलता आपको अवश्य मिलती नजर आएगी। उपाय आपके पास बड़ा सरल है, कंबल का दान देना आपके लिए हितकारी है। अगर हो सके तो ऊनी वस्त्र भी आप दान दे सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग को दान दे देंगे तो भी आपकी राशि बलवान होगी। संध्या काल के समय बजरंग बाण अवश्य पढ़िएगा। शुभ रंग की बात कर लेते हैं तो गुलाबी और 8 नंबर है आपका लकी। धनु राशि की बात करते हैं, गुरु की राशि है, छठ मैया का दिन और गुरु की राशि, आपकी राशि अवश्य बलवान होती नजर आ रही है। साथ में आपको उपासना करने से आने वाले समय में इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। जैसे सरकारी नौकरी के योग आपके बनते नजर आएंगे। आपने अगर फार्म भरना है तो आज का दिन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है, फार्म आप भर सकते हैं। उपाय आपके पास बड़ा सरल है, बिना बताए किसी घर के बुजुर्ग को, विशेष रूप से महिला को, कुछ ना कुछ मिष्ठान लाकर अवश्य दें। शुभ रंग की बात कर लेते हैं तो गुलाबी रंग आपका शुभ है और साथ में पर्पल रंग भी शुभ है। दो रंग आपके लिए गुलाबी और पर्पल शुभ हैं। लकी नंबर की बात कर लेते हैं तो आपके लिए 26 नंबर है लकी। मकर राशि की बात कर लेते हैं, मकर राशि वालों के लिए स्पेशल दिन है ये, और ये दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप जितनी सूर्य नारायण की उपासना करेंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा। क्योंकि यहाँ बात कर लेते हैं, चंद्रमा का भ्रमण भी मकर राशि में चल रहा है और आज के दिन उपासना करने से अचानक आपको उपलब्धि देखने को मिलेगी। चाहे वो एजुकेशन के लिए कहें, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए कहें, चाहे आपको किसी व्यापार के लिए कहें, जॉब के लिए भी कहीं ना कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मगर सूर्यनारायण की आराधना छठ मैया के दिन अवश्य करनी होगी। साथ में आपको सूर्यनारायण को जल देना होगा, ये उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा है, अक्षत या रोली डालकर। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, शुभ रंग आपके लिए है पीला और लकी नंबर की बात कर लेते हैं तो नंबर है 3। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए एक बात तो स्पष्ट है कि आपस में मिलनसारता बनती नजर आ रही है। यहाँ पर आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं, माता पिता से, परिवार से सबसे अच्छे संबंध होते नजर आ रहे हैं। आज एक काम आप अवश्य कर लीजिए, ये उपाय आपके लिए एक बड़ा कारगर सिद्ध होगा। छतरी का दान दीजिए, काली वस्तुओं का दान दीजिए तो आपके लिए अचानक किसी उपलब्धि का योग भी दिखेगा। और लकी रंग की बात कर लेते हैं, लकी रंग आपके लिए है आज का पीला और नंबर की बात कर लेते हैं तो नंबर रहेगा आपके पास 28। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले, एक बात तो स्पष्ट है आपके पास कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। अब आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। चाहे आपके पास एजुकेशन संबंधी कोई काम हो, व्यापार संबंधी कोई काम हो, बाहर जाने का काम हो, किसी को एडवाइस देने का काम हो, या आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, ये आपके पास अच्छा अवसर है। छठ मैया की पूजा करें, आराधना करें, सूर्यनारायण को जल दें, उसके पास आप जो भी काम करेंगे आपको सफलता आज अवश्य मिलने वाली है। आपका शुभ रंग की बात कर लेते हैं तो सुनहरा रंग आपका शुभ है और लकी नंबर की बात कर लेते हैं, लकी नंबर है आपका 10। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को छठ मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया आप पर कृपा बरसाती रहे और आपका आने वाला वर्ष शुभ मंगल होता रहे। जय श्री कृष्ण।